बसमिलकुम केमिस्ट्री ग्रेड एट लेक्चर नंबर फोटी एट यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर वन फंडामेंट्स ऑफ केमिस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके एक्सप्लेन भी कर चुके राइट भी कर चुके अब हम यूनिट नंबर टू शुरू करेंगे यूनिट नंबर टू दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम कौन सा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम डाल्टन डिफरेंट टाइप ऑफ थीरीज पढ़ेंगे और तीरीज में हम फर्स्ट वन जो है दैट इज़ डाल्टनस एटॉमिक थियोरी क्लियर एटॉमिक एटामिकरी यूनिट नंबर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया गया है देखिए ये न्यूक्लियस है ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स हैं और शेल में ये आपको जो गोल सर्कल से नजर आ रहे हैं ये आपको इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स है स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पेज नंबर फोर्टी एंड फोर्टी वन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पेज नंबर फोर्टी वन द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू साइंटिस्ट मैनी प्लास्पर्स एंड साइंटिस्ट worked for centuries to solve the mystery. A Greek philosopher, Democritus, isko uh, underline kare ya highlight kare, for the first time suggested that all matters can be ultimately broken down into tiny particles that cannot be further divided. For the first time, ये डेमोक्राइट्स ने पेश किया था कि सजेस्ट किया था कि जितना भी मैटर मैटर जितना भी मैटर है ये स्माल पार्टिकल्स पे वेरी वेरी स्माल पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है एंड दीस पार स्माल पार्टिकल्स आर इनडिविजिबल दीस पार्टिकल्स वर नेम एटम एटम जो है इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया एटम्स और इसको एटम्स क्यों किया गया क्योंकि एटम जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है क्या है ग्रीक वर्ड से निकला है एटम क्या है ग्रीक वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव में आता है और ये ग्रीक वर्ड कौन से वर्ड से निकला है एटमोस एटम किस चीज़ से निकला है दैट इज़ एटमोस और एटोमोस इसको क्यों कहते हैं दैट मीन्स इनडिविजिबल क्योंकि डेमोक्रेटिस ने फॉर द फर्स्ट टाइम कहा था कि ये स्मॉल पार्टिकल जो है ये इनडिजल है यू कान डिवाइड एटम एनी मोर फर्दर आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते ये सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट पार्टिकल है डेमोक्रेटस ने क्या कहा था कि एटम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट पार्टिकल है आप इसको और डिवाइड नहीं कर सकते आप और इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्लियर इस वजह से इसको ग्रीक वर्ड से एटमोस से इसका नाम दिया गया है और एटमोस का मतलब क्या है इनडिविजल इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक मॉडल एंड कॉन्सेप्ट लाइक आइसोटोप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन डिटेल इसमें आप एटम के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ थीरीज पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है क्या है एटम का स्ट्रक्चर मैटर क्या है मैटर किस चीज़ पे कंसेस करता है और जो एटम है इसका स्ट्रक्चर क्या है आइसोटोप्स क्या है आपको पता है हमने ऑलरेडी आपको बताया था वट इज़ आइसटोप आइसटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्लियर ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं लिखवा भी चुके हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर रिस्पेक्टिव शेल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व द शेल्स इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स क्लियर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स अब कौन कौन से शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर रिस्पेक्टिव शेल्स एंड दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नो थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा ये थ्योरीज तो हम पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले फिर बताता हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसने सजेस्ट किया था दैट इज डेमोक्राइटस क्या नाम था ग्रेमो, ग्रेमोक्राइटस डेमोक्राइटस जो है ये ग्रीक प्लास पर था क्लियर अपने साथ ये हाईलाइट करें अब थ्यूरीज पढ़ेंगे थ्यूरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर अब एटम जो है ये तो बता दिया कि दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आप मैटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप मैटर अब एटम है क्या इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स है कहाँ कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ थीरीज हम पढ़ेंगे आल दो वर्ड एटम वाज यूज्ड इन 400 हंड्रेड बी सी हाई नो फर्दर वर्क वाज डन एंडल नाइनटीन सेंचुरी इट वॉज़ जॉन डाल्टन एंड इंग्लिश स्कूल टीचर हु आफ्टर ए सीरीज़ ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूडिड दैट आर मैटर मस्ट बी कंपोज आप टेनी पार्टिकल्स विच आर लाइक सॉलिड बॉल्स एंड कैन नाट बी फर्दर डिवाइडेड ही कॉल दीज एटम्स क्लियर अब डाल्टन ने क्या कहा कि मैटर इज़ कम्पोज ऑफ स्माल वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दी स्माल पार्टिकल्स आर लाइक ए सॉलिड बॉल स्माल पार्टिकल्स क्या है ये बिल्कुल गोल गोल बाल की तरह है सॉलिड बॉल्स है एंड कैन नाट बी फर्दर डिवाइडेड जिस तरह ग्रीक वर्ड है एटमोस नाम है एटमोस का मतलब है इन डिजल इट मीन्स एटम कान बी फर्दर डिड ये डाल्ट की थरीज का एक पॉइंट है क्लियर ही प्रेजेंटेड दिस थ्योरी अंडर द टाइटल ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल पिलासफी क्या नाम दिया इसको अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल पिलासफी द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ डोल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एस फॉल्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कब पेश की गई थी एटीन जीरो एट में कब पेश की गई थी एटीन जीरो एट में What are the main points of Dalton's atomic theory? The main points of Dalton's atomic theory are matter is composed of very small particles called atoms. First point, kyaata? Matter consists of small particles, and these small particles are called atoms. Clear? Second point, kyaata? Atom is an indivisible particle. यू कॉन्ट डिवाइड द एटम एनी मोर दूसरा पॉइंट क्या था यू कॉन्ट डिवाइड द एटम एनी मोर यानी एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल क्लियर नेक्स्ट पॉइंट क्या था एटम कैन ना इधर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ये लॉ ऑफ कॉन्स्टन कंपोजिशन सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम कैन ना इधर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्राइड ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास से लिया गया है कि एटम कैन ना भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्राइड यूनिवर्स में जितना मैटर है इसको ना आप क्रिएट कर सकते हो और ना डिस्ट्राई कर सकते हो एटम कैन ना इधर भी क्रिएटेड नाट डिस्ट्राइड इसके साथ लिखिए लाभ कंज़रवेशन ऑफ मास क्या है ये आप लोग एट में पर, ये आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं लाभ कंजरवेशन ऑफ मास एटम कैन ना इधर भी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स में जितना है मैटर आप इसको ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो बल्कि आप सिर्फ़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो न ना नया बना सकते हो नए न जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो बल्कि आप मैटर के एक फॉर्म को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज़ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज शेप मास एंड आल्सो इन अदर प्रॉपर्टीज़ इसका मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट के आटम्स ये आपस में आइडेंटिकल होंगे सेम होंगे यानी एलिमेंट कंसिसट ऑफ एटम्स विच आर आइडेंटिकल इन आल रिस्पेक्ट जितनी भी एक एटम एक एलिमेंट में जितनी भी एटम्स होंगे उसका साइज़ भी सेम होगा शेप भी एक जैसा होगा मास भी सबका सेम होगा और उसकी और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है या वो भी सारे सेम होंगे दे द एटम्स आ पार्टिकुलर एलिमेंट एक ख़ास एलिमेंट के एटम्स जो है ये आइडेंटिकल होंगे साइज़ भी इसका सेम होगा शेप भी सबके सेम होंगे मास भी सेम होगा और प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी क्लियर जिस तरह एक स्कूल है और स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका यूनिफॉर्म जो है वो सेम होता है सबका कोर्स जो है क्लास का वो सेम होता है तो वो आइडेंटिकल होते हैं इस लिहाज से कि सबका यूनिफॉर्म सेम होता है क्लियर इसी तरह एटम्स भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम्स भी वो आइडेंटिकल होंगे अब फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है एटम्स आप डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन दियर प्रॉपर्टीज़ अब एक एलिमेंट के एटम्स दूसरी एलिमेंट के एटम्स से हर लिहाज से डिफरेंट होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एलिमेंट कार्बन है दूसरा एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है अब नाइट्रोजन के एटम्स टोटली डिफरेंट फ्राम द एटम्स ऑफ कार्बन एंड द एटम ऑफ हाइड्रोजन आर टोटली डिफरेंट फ्राम द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बट द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर आइडेंटिकल इन आल रिस्पेक्ट नाइट्रोजन में जितनी भी एटम्स होंगे हाइड्रोजन में जितनी भी एटम्स होंगे ये अपने आप में खुद अपने एटम्स के साथ अगर कंपेयर करें तो ये आइडेंटिकल होंगे लेकिन एक एटम के एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे क्लियर ये पॉइंट क्लियर हो गया अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है पॉइंट नंबर सिक्स एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो अब जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे दैट इज केमिकल कम्बीशन की बात करते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कम्बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर क्लियर हाइड्रोजन कम्बाइंड विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसड अब हाइड्रोजन वाटर के साथ जब कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन और वाटर के दरमियान जो रेशो है दैट इज़ स्मॉल होल नंबर रेशो मतलब टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कम्बाइंड विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मालिक्यूल ऑफ एच टू वो तो इसमें जो रेशो है दैट इज़ टू रेशो वन विच इज़ द सिम्पलेस्ट रेशो अब इसी तरह अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं हाइड्रोजन कम्बाइंड विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड द रेशो इज़ वन रेशो वन दैट इज़ द सिम्पलेस्ट रेशो बताब सौ एक हज़ार इस तरह के मालिक्यूल्स आपस में नहीं मिलेंगे ये सिंपल रेशो में आपस में मिलेंगी टू रेशो थ्री फोर रेशो वन फोर रेशो थ्री सेवन रेशो थ्री सेवन रेशो वन वन रेशो फाइव इस तरह के स्मालेस्ट होल नंबर रेशो में ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आपस में मिल सकते हैं लार्ज रेशो नहीं हो सकती सिंपलेस्ट वन जितना सिंपल हो सकता है केमिकल कंबिनेशन में एटम्स जब कंबाइन होगी तो उसमें सिंपलेस्ट रेशो होगा अब पॉइंट नंबर सेवन आल केमिकल रिश्स रिलेशनस आर ड्यू टू कम्बिनीशन आर सेपरेशन ऑफ एटम्स अब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं दिस केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू द डिकम्पोजिशन आप केमिकल कम्पाउंड आप किसी केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज करें ब्रेक करें तो उससे केमिकल रिएक्शन होंगी या द एडिशन ऑफ एटम्स अगर आप एटम्स को आपस में कम्बाइन करें तब केमिकल रिएक्शन होंगी या अगर एटम्स को आप सेपरेट करें एक केमिकल कंपाउंड्स के एटम्स को आप सेपरेट करें तब केमिकल रिएक्शन होगी या अगर एटम्स को आप आपस में ऐड करें तो उससे न्यू कंपाउंड हो बनेगा और जब न्यू कंपाउंड होगा दैट इज केमिकल कम्बिनेशन तो केमिकल कम्बिनेशन आर रिलेटेड विद द कम्बिनेशन आर सेपरेशन आप एटम्स या तो एटम्स एक दूसरे सेपरेट होंगे जब सेपरेट होंगे दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन और जब कम्बाइंड होंगे दैट इज़ कॉल्ड एडिशन तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगे दैट इज़ ड्यू टू कम्बिनेशन आर सेपरेशन ऑफ एटम्स दैट इज़ ऑल अबाउट एटॉमिक एटामिकरी